फेसबुक एक ऐसा गांव जिसके मुखिया मारक भैया, ये 90 के दशक से बिल्कुल उलट। 90 के दशक में लोग आपके यहाँ झांकते थे, इस दशक में लोग अपने यहाँ झकवाते हैं। जिन लॉन्डो का सेंटेंस आज बीसी और एमसी लगाए बिना कभी पूरा नहीं होता है, ये वही लॉन्डे हैं जो बचपन में आपके साला कह देने पर साला बोला। हाँ कुछ ऐसे ही करते थे। ये लॉन्डे बंदूक के साथ फोटो डालते हैं और कैप्शन पे लिखा होता है मित्रानु शौक गोलियां चलाउण दा। हाँ जी मित्रानु शौक गोलियां चलाउण दा। और रात में ये बैट से पैर नीचे करने में डरते हैं। ऐसे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर लड़कियों की फोटो दिवाली में दिए के साथ, होली में रंग के साथ, ईद में सिवाई के साथ और सुहागरात पे अपने दूल्हे एंड 40 अदर्स के साथ डलती है। इस गांव में लड़के लड़की का कोई भेदभाव नहीं है। माँ कसम दुनिया में एक ऐसा गांव है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर लड़के का नाम भी एंजिल, प्रिया या क्यूट नेहा रखा जाता है। झूठ का तो भाई साहब पूछिए मत। यहाँ लड़कियां डालती हैं वॉचिंग सीक्रेट सुपर स्टार एट PVR। यही लड़कियां अपनी मम्मी के साथ बैठ करके ससुराल सिमर का देख रही होती हैं। यहाँ दोस्त दोस्त की फोटो में तब लाइक करता है जब किसी दोस्तनी का लाइक उस फोटो में पहले से ही मौजूद होता है। आपका दोस्त उसकी फोटो में आपको तब टैग करता है जब आप उसकी फोटो में लिखते हो नाइस हैंडसम डैशिंग। भाई क्या गजब लग रहा है यार। यहाँ पर बीमारी में दवाइयाँ नहीं चलती हैं। 1 like = 1 pray, 1 comment = 2 pray और शेयर कर दिया तो भाई अब भी मौसम अब भी ठीक हो गया, अभी बिल्कुल ठीक हो गया यार, सामने खड़ा हो गया बिल्कुल ठीक। कि लोग अपना कैरियर ऑप्शन भी यहीं से चुनते हैं। इस लिंक पे क्लिक करें और जानें आपके कैरियर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। मैंने भी किया था पर मेरे में लिखा हुआ आया अरे तुमसे ना हो पाएगा भैया ना। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है बकरी। हाँ जी बकरी, बकरी करती है और यहाँ पर भी सिर्फ यही चलता है। अगर आपका दोस्त आपको किसी मेमे में एक दिन टैग नहीं करता है तो सोच लीजिए, या तो वो दोस्त नहीं है या वो दोस्त रहा ही नहीं है। भाई लोग कहते हैं यहाँ पर शादियां तक हो जाती हैं। यार मुझे तो आज तक एंजल प्रिया नाम की लोंडो की रिक्वेस्ट आती है। यहाँ पर आपको किसी का भी मित्र निवेदन उर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है। हो सकता है वो आपकी चाची की बुआ का फूफा का लड़का हो। आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पे इस आदमी का मैसेज आता है, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना भाई, कौन आप? अरे मैं आपकी चाची की बुआ का फूफा का लड़का। यार क्या है यार ये, यही आदमी सबसे पहले आपका रिलेशनशिप स्टेटस जब इक्का से दुग्गा उर्फ सिंगल से इंगेज्ड आता है तब यही आदमी पूरे रिश्तेदारों में बातें फैलाता है। अरे लड़के की शादी होने वाली है क्या? अरे लड़के की शादी होने वाली है क्या? वो तो लड़की के साथ एक फोटो डाला था। ट्रेंड के नाम पे यहाँ पर कुछ भी चलता है। अभी एक ट्रेंड आया, पीपल हुज नेम स्टार्टेड विद एस तुमको स्विट्जरलैंड ले जाएगा। भाई श्यामलाल के लौंडे को समोसा बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसका बाप सिकुटिया गांव, पास के सिकुटिया गांव जाने तक के पैसे नहीं देता, वो क्या तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जाएगा? यार कुछ तो सोचो मेरे भाई, प्लीज कुछ तो सोचो यार। कल माँ बेटे को नाखून खाने देती है, हमारे टाइम में ऐसे करने ऐसे होता था। आजकल माँ बेटे को नाखून क्यों खाने देती है? क्योंकि उसने फेसबुक पे एक फोटो डाली थी, उसमें पढ़ा है कि साइकोलॉजी सेज दैट कि भैया जो नाखून खाता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। अरे मेरी माँ, मैं तो ये ऊपर की खाल तक खा लेता हूँ, मैं तो आइंस्टीन हूँ क्यों? लोग यहाँ पर स्टेटस डालते हैं कि फीलिंग सिक। अरे भाई फीलिंग सिक, सर दर्द हो रहा है। और फिर दूसरे का जब कमेंट आ रहा है कि भाई क्या हो गया, सिर दर्द हो रहा है, काफी देर से हो रहा है, वही लड़का भाई 2 घंटे तक यही रिप्लाई कमेंट ये खेल रहा होता। भाई क्या सरदर्द है यार तेरा मेरे भाई, बता तो भाई। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट का पूछो मत। बुआ फूफा चाचा मौसा पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार आपको टैग करते हैं। तुम वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिख देना, और इतनी हंसी आई हो तो एक शेयर कर देना, इतनी वाली में 2, और अगर ये वाली आई हो तो यार आप बहुत 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 समझदार हो, करते रहना यार शेयर, क्या हो रहा है रोकना मत। और ये BP2 लाफ चैनल
सब्सक्राइब क्या होता है? रुको मैं भाभी को बुलाऊं। भाभी, अरे बीपी टू लाइफ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला कुछ सिस्टम होता है वो दबा दीजिएगा भैया, हम वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आए, क्या फायदा यार, सब समझदार है भाभी की तरफ से। लव यू।